वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आज रात 8 बजे एक बार फिर से देश की जनता को एड्रेस करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और पीएमओ ने भी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि आज रात 8 बजे एक बार फिर से देश की जनता को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रात 8 बजे पीएम मोदी एक बार फिर से देश को संबोधित करेंगे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 17 तारीख तक तीसरे फेज का ये लॉकडाउन है। किस तरह से इस लॉकडाउन को खोलना है या नहीं खोलना है, तमाम चीजों को लेकर राज्य सरकार और साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कल प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, जिसमें तकरीबन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से दे रहे हैं, जहां पर आज रात 8 बजे देश की जनता को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएमओ ने ट्वीट करके भी इस बात की जानकारी दे दी है कि आज रात 8 बजे पीएम मोदी एड्रेस करेंगे। तो श्री नरेंद्र मोदी विल बी एड्रेसिंग द नेशन एट 8 PM दिस इवनिंग। तो ट्वीट करके पीएमओ ने भी इस बात की जानकारी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो देश की जनता को एक बार फिर से संबोधित करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी आज फिर से देशवासियों को संबोधित करेंगे। रात 8 बजे संबोधित करेंगे पीएमओ के। पीएमओ ने भी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो बड़ी खबर आज रात 8 बजे एक बार फिर से देश की जनता को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी रोमल भावसार जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जिनके साथ और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। रोमल जी, आज रात 8 बजे एक बार फिर से देश को एड्रेस करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि तीसरे फेज का लॉकडाउन खत्म होने वाला है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा, आज फिर से देश के नाम संबोधन। जी बिल्कुल वरिष्ठ, आपको बता दूं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की थी, और ये 5वीं बार था जब प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा की थी और लॉकडाउन की वर्तमान स्थिति के बारे में जाना था। और उसके पीछे मुख्य कारण था यही था कि जो स्थिति, जो कोरोना को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं वो क्या